विमल गजेंद्र मंटू राज मनोज बब्बन बिहार में नीतीश कुमार की सुशासन वाली सरकार है और इस सरकार में अगर आपके एक छोटा सा फोन भी खो जाता है, चोरी हो जाता है, पुलिस उसे भी पकड़ लेती है। आरा एसपी विनय तिवारी ने इस बात का प्रमाण भी दिया है। तस्वीर देखिए, 65 मोबाइल जो चोरी हो गए थे, खो गए थे, छीन लिए गए थे, उन तमाम मोबाइलों को बरामद किए गए हैं और हर एक हाथ में जिससे हाथ से मोबाइल जो है वो गायब हुई थी उनको दिया गया है। पूरे वीडियो को आप देखिए। विमल गजेंद्र मंटू राज मनोज बब्बन अभी तो राकेश कुमार मेहनत करके बराबर की चलेगा गुड्डू कुमार हरिकेश हरिकेश कुमार विश्वकर्मा सन्नी ज्ञानेंद्र ज्ञानेंद्र प्रसाद दुर्गेश दुर्गेश कुमार राम दर्शन राजा कुमार कब बोल सनीता देवी अरेंद्र सोनू कुमार लवराम नवादा मोराबाद शुगर दिलीप कुमार सोहन राम वैष्णवी कुमारी चार मार्च 22 अब्दुल खान शाहपुर शाहपुर हर्षित कुमार जनवरी 22 हर्षित कुमार पिंटू कुमार केस का है ना सर पिंटू कुमार पुरानी पुलिस में नहीं रहता रमेश कुमार रमेश कुमार मोबाइल बरामदगी अभियान हम लोगों का लगातार चल रहा है। जो भी चोरी छिनतई लूट हुए गुम हुए मोबाइल होते हैं उन सब की सूची बनाई जाती है और लगातार उस पर हमारी चार टीमें हैं जो लगातार पिछले बार तक हम लोगों की 3 ही टीमें थी, लेकिन पिछले बार हम लोगों ने इसको बढ़ाया है और 4 टीम कर दी है, क्योंकि इसमें लगातार हम लोगों को सफलता मिल रही है। तो इसी क्रम में 7वां फेज़ जो था वो चल रहा था पूरे मार्च महीने से, उसका समापन किया गया है।
सातवें फेज में कुल 65 एंड्रॉयड मोबाइल हम लोगों ने बरामद किए हैं और सभी 65 मोबाइल के धारकों को जो केस के मोबाइल थे उनको कोर्ट से रिलीज करवा लिया गया है और बाकी जो मोबाइल थाना में बरामद थे स्टेशनरी उनको भी आज हम लोगों ने रिलीज कर दिया है और उनका स्वामित्व का सत्यापन करके उनके धारकों को बुला करके आज हम लोगों ने दे दिया है। ये टीम लगातार कार्य कर रही है। इस टीम में चार हमारे अफसर हैं, धोभा प्रभारी, गजराजन प्रभारी, सिन्हा प्रभारी और खवासपुर प्रभारी। ये चार थानाध्यक्ष मिलकर लगातार मोबाइल बरामदगी का अभियान चला रहे हैं। इन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस टीम के द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है और इसको मैं सम्मानित भी करूँगा। हमारी जो टीम, हम लोग का पहले दिन ही ये प्लान बना था। 15 अगस्त के दिन हम लोगों ने ये अभियान शुरू किया था तो अभी तक 7 माह हो गए हैं, तो 7 हम लोगों के फेज हो गए हैं। तो इस बार हम लोगों को सर्वाधिक मोबाइल 65 मोबाइल बरामद हुए हैं। अगर टोटल देखा जाए तो करीब हमको लगता है 300 के ऊपर मोबाइल शहर में हम लोगों ने बरामद करके दे दिए हैं और यही हम लोगों का उद्देश्य है कि ना सिर्फ चोर पकड़े जाएँ बल्कि मोबाइल ही बरामद हो और कोर्ट से भी इनका रिलीज करके हम लोग स्वयं ही धारकों को सौंप दें ताकि ऐसा ना हो कि मोबाइल अगर किसी का घटना में बरामद भी हो जाता है तो फिर थाना का चक्कर लगाए और कोर्ट का चक्कर लगाए और उसको मोबाइल ना मिल पाए। तो जो भी वस्तु है जो चोरी हो रही है चोर को पकड़ें, उसको बरामद करें और लोगों तक दे दें ताकि आखिरी कड़ी भी इस प्रक्रिया की ढंग से समाप्त हो जाए और जो कम्युनिटी पुलिसिंग हम लोगों की लोगों तक पहुँचने का माध्यम हम लोग